हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आज मैं बनाने जा रही हूँ भंडारे वाली सब्जी। तो कभी कभी ना मन करता है भंडारे वाली सब्जी खाने का, चाहे कभी कोई सा दिन ऐसा होता है जिस दिन की हम प्याज लहसुन ये सब नहीं खाते हैं, तो उस दिन हमें ये सब्जी बना बहुत सबसे अच्छी यही सब्जी लगती है। तो ये भंडारे वाली सब्जी और पूरी और खीर आज मेरा खाने का यही है मेन्यू। तो उसके लिए मैंने तैयारी मैं कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं सब्जी बना रही हूँ, तो इसके लिए देखिए ऑयल चढ़ा दिया है, इसमें डाला हमने जीरा, इसमें को प्याज लहसुन हम यूज़ नहीं करेंगे। भंडारे वाले सब्जी में क्या होता है कि भंडारे वाले में प्याज लहसुन नहीं यूज़ की करते हैं, तो मैं प्याज लहसुन नहीं यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, ये दिया हींग का तड़का, जीरा और हींग का तड़का डाल देंगे इसमें। और हम ये टमाटर देखिए, तीन बड़े साइज़ के, मीडियम साइज़ का, बड़ा नहीं मीडियम साइज़ के तीन टमाटर को काट के रखा हुआ है, तो इस तीन टमाटर को इसमें हम ऐड कर देंगे। अब इसको हम थोड़ी देर भूनेंगे, इसके गलने हल्का सा इसको ये होने तक हम इसको भूनेंगे। नहीं है हमें काटने से, इसे भंडारे वाली सब्जियों में काटते नहीं हैं, ये ऐसे ही भूनते हैं। तो ऐसे करके हम सारे आलू को फोड़ के रख लेंगे। ये हमारा टमाटर भून रहा है, और इधर ये इन टाइम हमने तैयारी करके रखा है, ये देखिए नमक, हल्दी, धनिया और मिर्च, ये हमने ले ली। ये दो हरी मिर्च भी मैं इसमें तोड़ के ऐसे ही डाल दे रही हूँ। ये देखिए दो हरी मिर्च, थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा हल्का सा टमाटर ये हो गया है, सॉफ्ट हो गया है। तो इसमें मैं मसाला ऐड कर दूँगी, ये सारे मसाले, नमक, हल्दी, मिर्च, ये मैं मसाला डाल दूँगी। पूरी के साथ ये सब्जी बड़ी अच्छी लगती है, वैसे रोटी के साथ भी अच्छी लगती है, लेकिन पूरी के साथ खास करके ये भंडारे वाली सब्जी जो होती है ना, ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से, और बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाता है। इसमें हम थोड़ा सा ऐड कर देंगे, वैसे तो ऑयल है, लेकिन थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि हमारा मसाला जले ना। ये देखिए, इसको हमने इसे ऐड कर दिया है, ये मसाला जलेगा नहीं। अब इसको हम थोड़ी देर ढक के छोड़ देंगे सिम आंच पे। ये देखिए, ये हमारा मसाला जो है वो लगभग भुन गया है। ये देखिए मसाला ऑयल पूरा ऊपर ऊपर आ गया है, तो ये मसाला हमारा भुन गया है, टमाटर और मसाला। अब इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर देंगे। ये देखिए, हमने गरम मसाला लेके रखा हुआ है, ये मेरे घर का तैयार गरम मसाला है, तो इसको हमने लिया है, तो इसको डाल दिया। और ये आलू को जो मैंने फोड़ के रखा था ना फ्रेंड, आलू को जो इसको फोड़ के रखा हुआ था, इसको अब हम इसमें ऐड कर देंगे। मेरे यहाँ बड़े बड़े आलू कोई नहीं खाते हैं, इसलिए मुझे आलू को थोड़ा छोटा करना पड़ता है, क्योंकि बड़ा आलू रहेगा ना तो वो चून के बच्चे क्या करते हैं, साइड कर देते हैं आलू को इसलिए मैं थोड़े छोटे कर देती हूँ आलू को हमेशा ही। वैसे भी छोटा आलू होता है तो उसमें क्या होता है, तो मसाला अच्छे से चला जाता है, तो वो अच्छा भी लगता है। छोटा छोटा ही आलू होता है, क्योंकि बड़ा आलू रहेगा ना तो वो चून के बच्चे क्या करते हैं, साइड कर देते हैं आलू को इसलिए मैं थोड़े छोटे कर देती हूँ आलू को हमेशा ही। वैसे भी छोटा आलू होता है तो उसमें क्या होता है, तो मसाला अच्छे से चला जाता है, तो वो अच्छा भी लगता है। छोटा छोटा ही आलू अच्छा लगता है, बड़ा आलू सही में अच्छा नहीं भी नहीं लगता है उतना। तो इस तरह से आप ये करके, मैं थोड़ी देर इसको ढक के छोड़ दूंगी। सारे मसाले देखिए अच्छी तरह से इसमें कोट हो गया है, बहुत ही अच्छी तरह से इसमें कोट हो गया है, और कलर भी अच्छा आ रहा है। तो इसको अब मैं थोड़ी देर ढक के छोड़ दूंगी। ये देखिए, ये अब सब्जी हमारा भुन गया है बहुत अच्छी तरह से, ये जो है वो खुशबू भी बहुत अच्छी आने लगी है, तो ये अच्छी तरह से भुन गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे भुना हुआ खड़ा मसाला। खड़े मसाले में मैं आपको दिखाती हूँ क्या है। तो खड़े मसाला में हमने भून के रखा है जीरा, धनिया, सौंफ,
हल्का सा मेथी सबको देखिए ड्राई रोस्ट करके हमने रखा हुआ है, तो इसको ऐसे करके थोड़ा सा इसको आप ऐड कर दीजिए, तो इससे ना इसकी खुशबू फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। और ये मैं अब इसमें पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये अब तैयार हो गया है मसाला हमारा। तो ये सब्जी आलू की सब्जी है, तो ये उबले आलू की सब्जी थोड़ा सा पानी को सोख भी लेता है, तो थोड़ा सा पहले आप पतला करें ताकि ये जब सोखे भी तो हमारा सब्जी ठीक बने रहे। देखिए ये जो मैंने बाद में ऐड किया है ना ये खारा मसाला, ये ऊपर आ जाता है और बहुत अच्छा लगता है, इसका टेस्ट और खुशबू इसकी बहुत अच्छी होती है। तो एक दिन ही मैं रोज़ रोस्ट नहीं करती हूँ, ठीक है, एक दिन ही मैं रोस्ट करके थोड़ी से डब्बे में रख लेती हूँ। मैं आपको दिखा, अब इसको आराम से ढक के उबलने देंगे थोड़ी देर तक, फिर इसको जब थोड़ा सा अच्छा उबाल आ जाएगा तो इसको गैस को सिम कर देंगे, सिम पे भी थोड़ी देर उबलने देंगे और फिर इसको मैं धनिया से इसको गार्निश करके धनिया डाल, हल्का सा धनिया पत्ती डाल के इसको हम गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए ये कितना अच्छा सब्जी बनके तैयार हो गया है, इसको ऐसे धनिया से सजा दीजिए और देखिए कितना अच्छा कलर भी बहुत अच्छा आया है और इसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी है, और थोड़ा ठंडा होगा तो और ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, तो ये बहुत अच्छी सी सब्जी बनी। तो इस तरह से आप कभी कई बार बनाना पड़ता है हमें, बिना बिना प्याज लहसुन की भी सब्जियाँ बनानी होती है तो इस तरह से बना सकते हैं। और इसमें यदि हम नमक की जगह सेंधा नमक यूज़ कर लें, ठीक है, व्रत वाले नमक यूज़ कर लें, तो हम व्रत में भी इस तरह की सब्जी बना के खा सकते हैं। तो और मैं आपको इसका थाली लगा के दिखाती हूँ, वैसे कैसा लगा आपको ये भंडारे वाली सब्जी ज़रूर बताइएगा। झटपट पड़ने वाली की सब्जी है, 5 मिनट्स में तैयार। थैंक यू फ्रेंड।